अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोग के साथ बहुत ही लजीज सी रेसिपी शेयर करेंगे। तो चलिए आज हम बनाते हैं टमाटर पुलाव। बहुत ही बेहतरीन बनता है और बनाना बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले हम 3 कप चावल लेंगे। आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हो आप बना सकते हैं। तो चावल को हमने 10 मिनट भिगोया था, उसके बाद हमने पूरा पानी स्ट्रेन कर लिया है और ये पूरा फ्रेश हो चुका है। आप देख सकते हैं पूरा पानी सोख कर लिया है चावल। तो यहाँ पर हम लेंगे एक प्रेशर कुकर, जिसमें हम 2 से 3 टीस्पून घी ऐड करेंगे। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, बट जब हम घी में बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनता है ये पुलाव। घी जब पूरी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें हम कड़ी पत्ता ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे, 1/2 टीस्पून सरसों का दाना, और यहाँ पर हमने 3 लौंग ले लिया है, दालचीनी का टुकड़ा लेंगे, यहाँ पर हम 1 स्टार लेंगे। इसमें हम पत्थर के फूल ऐड करेंगे। पुलाव में इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है पत्थर का फूल जब हम डालते हैं। तो तेज़पत्ता डालेंगे। यहाँ पर हमने 2 बड़े साइज का प्याज लिया था, जिसे हमने रफली चॉप कर लिया है। तो प्याज को चॉप करने के बाद आप हाथों से उसे हल्का सा क्रश करें, ताकि उसकी जो कलियाँ हैं वो अलग अलग हो जाएँ। इसी में हम सूखी मिर्च ऐड करेंगे। प्याज को हम 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर भून लेते हैं। उसके बाद हम इसमें 1/2 कप मटर ऐड करेंगे। अगर आपके पास मटर नहीं है तो आप मटर को पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं, इसके बिना भी बना सकते हैं। इसी में हम 4 बड़े साइज के टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को हमने बारीक चॉप कर लिया है। अगर आप देसी टमाटर यूज करते हो तो काफ़ी अच्छा होगा। इसी में हम नमक ऐड करेंगे। तो हमने 3 टीस्पून नमक ऐड किया है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। तो मिर्च नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें लाल सूखी मिर्च भी ऐड की है तो वो काफ़ी स्पाइसी होता है। इसी में 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्यूब ले लिया है, आप इसकी जगह पर पेस्ट ले सकते हैं। सभी मसालों को हम अच्छी तरह से भूनेंगे। जब प्याज टमाटर वगैरह सारी चीज़ें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं, तब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। जब हम चावल को धो करके उसका पानी स्ट्रेन कर लेते हैं तो इस तरह से बहुत ही फ्रेश चावल बन जाता है। आप देख सकते हैं चावल कितने खिले खिले दिख रहे हैं। तो 5 मिनट हम मसालों के साथ चावल को अच्छी तरह से भूनेंगे। इसी में हम बारीक चॉपके हुआ ढेर सारे पुदीने के पत्ते और धनिया पत्ते डालेंगे। स्लाइस में कट किया हुआ थोड़ी हरी मिर्च ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम आपको एक बार फिर बताते हैं, आप मिर्च की क्वांटिटी आप अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ये जो टमाटरी पुलाव बनता है बहुत ही चटपटा सा बनता है। अगर आपके पास देसी टमाटर ना हो तो आप टमाटर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो देसी टमाटर होता है उसमें खटास ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा खट्टा होता है। तो इसलिए हमने बड़े साइज का यहाँ पर 4 टमाटर लिया था। आप चाहें तो 6-7 ले सकते हैं। तो यहाँ पर चावल जब अच्छी तरह से भून जाए तो आप इसमें पानी ऐड करें। तो यहाँ पर हमने 1/2 गिलास पानी डाला है। जब हम प्रेशर कुकर में पुलाव वगैरह बनाते हैं तो उसमें पानी की क्वांटिटी काफ़ी कम लगती है। तो 2 गिलास हमने भर के लिया है, वापस से हमने 1/2 गिलास इसमें पानी ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेवर के लिए हम इसमें 1/2 टीस्पून होममेड गरम मसाला ऐड कर लेते हैं। 1 टीस्पून भर के इसमें घी ऐड करेंगे। पहले भी हमने इसमें घी ऐड किया था, वापस से हम 1 टीस्पून डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और लीड लगा देते हैं, और 1 प्रेशर आने तक हम इसे कुक करेंगे। जब इसमें 1 प्रेशर आ जाए तो गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और स्टीम को हम रिलीज होने देते हैं। जब कुकर की स्टीम पूरी तरह से रिलीज हो जाए तब हम लीड हटाएंगे और चावल चेक करेंगे। जब वो प्रेशर कुकर का स्टीम जो है पूरी तरह से रिलीज हो जाए तभी आप इसका लीड हटाएं, वरना फिर चावल जो है कच्चा रह जाता है। तो यहाँ पर स्टीम पूरी तरह से रिलीज हो चुका है। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही लजीज ये पुलाव बनता है। अक्सर इफ्तार के बाद खाने में सभी लोग पुलाव या फिर बिरयानी वगैरह यही सारी चीज़ें ढूंढते हैं, क्योंकि रोटी कोई खाना नहीं चाहता है, हर घर की बात कह रहे हैं हम। तो इस तरह से आप अलग अलग डिशेज बनाकर आप खिला सकते हैं। वैसे तो हमारे चैनल पर बिरयानी की पुलाव की बहुत ही सारी वीडियो अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप लोग ज़रूर चेक करें। तो ये लीजिए गाइस, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लजीज पुलाव बनकर रेडी है। आई होप कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो आप लोग भी इसे ट्राई करें, फैमिली के साथ इंजॉय करें और हमें भी दुआ में याद रखें और फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।